क्रेटा एनलाइन अभी हमारे सामने है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही है एज कम्पेयर टू तो जो नॉर्मल क्रेटा अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉयलर रेड इंसर्ट्स और स्पेशली ये जो कलर है देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो मेरा नाम है उस्मान और आज यहाँ हम इस क्रेटा एनलाइन के बारे में बात करने वाले हैं इसमें आपको दो ही वेरियंट्स मिल जाएंगे एन एट एंड एन टेन सो एक बार इसका आउटर जो लुक है जो वॉक कराउंड है वो लेते हैं उसके बाद इंटीरियर चेंजेस के बारे में हम हर एक चीज़ कवर अप करेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखो इसका जो फ्रंट लुक्स है एक मुझे पॉजिटिव लगा सबसे पहले चीज़ मैं इसकी ग्रिल बताना चाहूँगा क्योंकि पहले जो हमने क्रेटा देखी थी फेसबुक में वहाँ पर ग्रिल की जो अंदर की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अंदर घुस सकती थी लेकिन इसमें प्रॉपरली ग्रिल का डिज़ाइन चेंज है लाइट्स आपको वही आगे कनेक्टिंग लाइट्स मिलती है और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हैडलैम्प्स मिल जाते हैं ये जो ग्रे कलर है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एग्जैक्ट नेम मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा दूंगा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक एनलाइन की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पर आपको ह्यून का लोगो मिलता है ब्रस्ड एलुमियम फिनिश में और इसके बीच में ही इन्होंने काफ़ी नीटली प्लेस किया है फ्रंट कैमरा सो so, ओवरऑल इसमें आपको चार कैमरास मिल जाएंगे फोर 360 डिग्री व्यू देन एक और चीज़ है फ्रंट में अगर आप देख लो तो चार पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं और अगर मैं साइड से इसको दिखा दूँ तो ये कुछ ऐसे इसका फ्रंट जो बम्पर है वो देखने में लग रहा है यहाँ पे आ जाएंगे आपके ये टर्न इंडिकेटर्स वर्किंग वेंट्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं ये दिख रहा होगा पीछे की लाइट और अगर आप व्हील्स पे आ जाओगे तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में ऑल फोर व्हील्स में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे फ्रंट में एज वेल एज पीछे भी आपको सेम यहाँ पे रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स आ जाते हैं विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग और जो ये रेड इंसर्ट्स आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहे हैं तो ये इन्होंने कंटिन्यू रखे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट फ्रंट बम्पर से और इसको कंटिन्यू किया है साइड्स पे और इवन इसके जो रेयर लुक है उस पर भी सेम चीज़ इन्होंने फॉलो की है जिसकी वजह से इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी यहाँ पर हमको देखने में लग रहा है सो प्लीज़ कमेंट में नीचे बताओ मेरे को कि आपको ये एनलाइन कैसी लग रही है बाकी डायमेंशन वाइज इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है वो आपको सिमिलर मिल जाएगी जैसे पहले क्रेटा में आती थी बाकी यहाँ आपको प्रॉपर ये क्लैडिंग मिल जाती है साइड पे कंटिन्यू होके और ये रियर व्हील तक ऐसे ही कुछ है फेंडर्स पे आपको इनलाइन की बैजिंग मिल जाएगी ब्लैक कलर में आपको इसके ओ मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर नीचे की साइड कैमरा आ जाता है और ये दिया गया है पडल लैम्प बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर एंड की इंसर्ट यहाँ पर दिया गया है बाकी जो इसका ए पिलर है और बैक तक का पिलर है वो फुल ब्लैक में रखा गया है तो नॉर्मल क्रेटा में यहाँ पे वो सिल्वर टच जो आता था वो हटा दिया है एनलाइन में इन्होंने कुछ ऐसा दिया है एक बार हम इसका इंजन बे भी खोलते हैं क्योंकि एनलाइन है तो स्पेशल जो चीज़ है इसकी काफ़ी हैवी है इसका बोनेट इससे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि हाँ बिल्ट में पहले से ये बेटर है अब यहाँ पे इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो कि 160 सिक्सटी बी एच पी की पावर एंड टू फिफ्टी थ्री एन एम ऑफ टॉक आपको देगा यहाँ पे टर्बो लिखा गया है सो नीटली डिज़ाइन है यहाँ पे बैटरी आ जाती है पीछे की साइड भी प्रॉपर इंसुलेशन वर्क है और ऊपर बोनेट हुड पे भी दिया गया है एंड ये हैवी है जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे तो एक बार उठा के देख लेना आपको जो वेट है वो फील होने वाला है इसमें तो व्हील का अगर मैं आपको बता दूँ सो एटीन इंच का आपको मिल जाएगा टॉप वेरियंट में जो कि एन टेन है और सेवनटीन इंच का आपको एन एट में मिल जाएगा तो ये टॉप वेरियंट है इसका टायर सेक्शन है टू हंड्रेड फिफ्टीन बाई फिफ्टी फाइव आर सिक्सटीन और इसके अंदर भी आप देख लो आपको एन की बैजिंग मिल जाएगी तो ये काफ़ी स्पेशल बना देती है गाड़ी को देन हम रेयर लुक्स पर एक बार इसके आ जाते हैं स्पॉयलर का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है मुझे यूजली लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं बट इसमें मुझे ऐस कुछ दिख नहीं रहा है कि आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत है पीछे की जो रेड स्ट्रिप है ये भी काफ़ी लोग लगाते हैं एंड एग्जॉस्ट ये देख लो आप तो ये कुछ इसमें एग्जॉस्ट दिए गए अभी एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको एन लाइन की बैजिंग दूसरी साइड पे क्रेटा लिखा हुआ है और ये कनेक्टिंग लाइट आपको दी गई है सिमिलर ये इसके अंदर ही आ जाता है का लोगो तो आपको क्लीन करने में थोड़ा ईजी रहेगा बाकी पीछे आपको रेयर वाइपर बहुत डिफॉगर आ जाता है एक बार ये देख लो यार यहाँ से ना आपको ये पेंट्स मतलब ये दिया गया है फॉर द एयरो डायनेमिक्स ये तो अभी कवर्ड है प्रॉपर आपको जो इसका रूफ है वो ब्लैक कलर का आ जाएगा और ऊपर की साइड पे आपको शार्क फिन टीन आ जाता है एक बार बूट स्पेस भी हम इसका ओपन कर लेते हैं तो ये कुछ स्पेस है आपको 433 थर्टी लीटर्स की बूट स्पेस आ जाती है एंड यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा स्पेयर व्हील ये स्टील रिम में दिया गया है और इसका टायर सेक्शन है 215 हंड्रेड फिफ्टीन बाई सिक्सटी आर सेवनटीन तो ये 17 इंच का दिया गया है बाकी अगर आप इसको बंद कर लोगे तो थोड़ी बहुत स्पेस आपकी यहाँ पे एंड यहाँ पे भी हल्की सी स्पेस आ जाती है वो उसका स्पीकर आपको मिल जाता है यहाँ पर या आपको बूट लाइट दी गई है जो कि येलो कलर की दी गई है पार्सल ट्रेस में आ जाती है और यहाँ पर ये प्रॉपर कवर्ड पैनल आ जाता है इसको करते हैं हम क्लोज तो एक बार यहां पे अब चेक करते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट तो यहां पे एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया होगा इसका कैसा क्या लग रहा है कमेंट में बताओ और हाँ बहुत जल्दी सेम वेरिएंट को जो इसका ऑटोमेटिक के साथ आ रहा है मतलब डी में आ रहा है तो ये हम लेके जाएंगे टेस्ट ड्राइव पे इसकी क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहने वाली है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा बाकी करते हैं अब इसके अंदर की बात अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा दूँ ये जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहा है ये आपके एडेस के फ़ीचर्स में आ जाता है तो अंदर चल के वो भी आ, मैं आपको दिखाऊँगा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन इसको बोलते हैं यहाँ पे अंदर जैसे आप ओपन करोगे तो ऑल ब्लैक में आपको इसके इंटीरियर्स मिलने वाले हैं विद रेड इंसर्ट्स यहाँ पे देख लो डोर पैनल भी फुल ब्लैक में आपको दिया गया है यहाँ पे बोस का स्पीकर आ जाता है आपका साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसकी फोर स्पीकर फोर ट्विटर और पीछे एक सब आ जाता है बूट में जो कि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर सॉफ्ट टच मटीरियल दिया गया है विद रेड इंसर्ट्स ऑल फोर पावर विंडो के बटन विद ड्राइवर साइड वनटेज अप एंड डाउन लॉक अनल ओवर वेम कंट्रोल यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी आ जाता है और ये अनलॉक हैंडल आपका ग्लॉसी फिनिश में दिया गया जो देखने में कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया लग रहा है नीचे बॉटल होल्डर की स्पेस यहाँ पे स्कफ़ प्लेट दी गई है फ्यूलिड यहाँ से आप ओपन कर सकते हो देन अगर सीट्स की हम बात कर ले तो ये आपको एट वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आती है और वो वाली आपको सिक्स वे मिलती है देन यहाँ पे आपको एक्सलेशन एंड ब्रेक पैडल दिया गया है क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरियंट है साथ में आपको यहाँ पे एक डेड पैडल भी आ जाता है ये फ्यूज बॉक्स आ गया यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है विद रेड इंसर्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो रेड सर्कल इसके अराउंड दिया, दिया गया है ये भी स्पोर्टी टच देता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल पार्किंग सेंसर और यहाँ पे आपका हेडलाइट लावलर दिया गया है कीज़ अगर मैं एक बार के लिए दिखा दूँ तो ये कुछ आपको कीज़ मिलती है नॉर्मल क्रेटा की तरह बट हाँ प्रीमियम लगती है आपको देखने में लॉक अनलॉक और यहाँ से होल्ड करके रहोगे तो गाड़ी हो जाती है स्टार्ट बाहर से ही और इससे आपका जो टेल गेट है वो ओपन हो जाता है तो ये दो कीज़ आपको इस पर मिल जाती है यहाँ पर रख लेते हैं इसको बाकी यहाँ पर आपको ये मैग्नेटिक जो चीज़ पहले मिलती थी वो अभी भी दी गई है सीट कम्फर्ट मुझे इसमें अच्छा लगा बट सीट का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है मतलब हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ पे इसमें रेड पैटर्न सा दिया गया है रेसिंग ट्रैक वाला और रेड कलर की लाइनिंग एंड स्टिचिंग दी गई है जो इसको हाँ थोड़ा और स्पोर्टी बना देती है साथ में ऊपर देख रहे हो आप पैनारोमिक सनरूफ तो अभी अगर हम इसके अंदर आ जाते हैं डोर को हम करते हैं क्लोज सबसे पहली चीज़ आप देख लो इसका स्टेयरिंग व्हील तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक अभी आपको दे रहा है ऐसा आपने आई ट्वेंटी में भी देखा है नीचे आपको एन लाइन की वैजिंग मिल जाएगी रेड कलर की स्टिचिंग इसमें आ जाती है देन जो लेआउट है प्रॉपर इसके बटन्स का स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इवन जब आप यहाँ पे अपना थंब भी रखते हो तो प्रॉपर यहाँ पे ऐसे आता है बिल्कुल भी इस पर टच नहीं होता तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया लग रही है देन यहाँ पे आपको ब्रस्ट एल्यूमोनियम फिनिश में इसका ह्यूडाई का लोगो दिया गया है पीछे आ जाएँ तो इसमें आपको राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं क्लस्टर के कंट्रोल जिसमें आपको यहाँ पे ये यह एडैस के फीचर्स आ जाते हैं क्रूज कंट्रोल दिया गया और दूसरी साइड पे आपको मीडिया कंट्रोल्स आ जाएंगे वॉइस कमांड का ऑप्शन भी दिया गया है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है और ये जो फेवरेट्स का है इसमें आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कुछ भी आ, चीज़ सेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर भी आपको बीच में दिख जाएगा इसके इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले पर स्टेरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ ऑप्शन दिया जाता है देन यहाँ पर अगर आप देख लो तो आपको प्रॉपर ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगेंगे देखने में तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव का इन्होंने दिया है ओवरऑल ये दूर से देखने में ऐसा कुछ लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे फ्रंट एंड बैक के और राइट हैंड साइड पे आपको ये लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर इसको आप ऑटो पे रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगी डे लाइट में ऑफ हो जाएगी और नाइट में ये ऑन हो जाती है अब यहाँ पे प्रॉपर आपको ड्यूल मिलती है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव इंच की टच टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको ये मिल जाएगी और ये नॉर्मल क्लस्टर डिस्प्ले मिल जाती है बट ये भी प्रॉपर आपको जो लुक देती है प्रोवाइड करती है यहाँ पे जो इसका थीम है वो आप चेंज भी कर सकते हो जैसे आप ड्राइविंग मोड्स वगैरह चेंज करोगे वो मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी टाइम में और बीच में आपकी जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशनस है आ, वो यहाँ पर आ जाती है और फ्यूल कितना रह गया है डिस्टेंस टू एमटी टेम्परेचर वगैरह वो चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी बाकी अगर हम यहाँ पर दिखा दें तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो पहले से ही काफ़ी स्मूद हमने देखा था तो इसमें इन बिल्ट नेविगेशन है एंड्रॉयड एप्पल काफ प्ले दिया गया है देन यहाँ पे आप सेटिंग्स में चले जाओगे तो और आपको ये व्हीकल सेटिंग्स वगैरह जनरल ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी आ जाती है जो यहाँ पे अगर आप ओ आर वी देखोगे तो ऑटो डिमिंग के साथ दिया गया है इसमें आपको एस ओ एस रोड साइड असिस्टेंस साथ में ब्लू लिंक के फीचर्स दिए गए हैं नीचे की साइड आपको यहाँ पे ये रेड इंसर्ट्स मिल जाएंगे प्रॉपर इसके डैश पे एक बार दूर से दिखा दो ओवरऑल लुक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर के इंसर्ट्स आपको काफ़ी जगह मिल रहे हैं यूजली नॉर्मल जो क्रेटा है उसमें यहाँ पे ब्रोंज फिनिश दी गई थी बट इसमें स्पोर्टीनेस मेंटेन करने के लिए आपको रेड कलर की चीजें दी गई है देन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपको रेड कलर की एम्बियट लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी करंटली अभी डे टाइम है तो इतनी ब्राइट नहीं आपको दिख रही होगी बट ये आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत रेड कलर तो ये आपको एम्बियन लाइट इसमें रेड कलर की दी गई है ये भी थोड़ा ग्रिप वाला मटेरियल है तो अगर आप अपना फ़ोन या एयर या कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जो स्लिप हो सकती है इस पर आपकी ये ग्रिप बनी रहेगी वो चीज़ स्लाइड नहीं होगी बाकी एयर वेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं ए के और इसकी जो कूलिंग है काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी नीचे की साइड आपको फिजिकल बटन्स काफ़ी दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं ठीक है फिजिकल बटन्स होने चाहिए ज़्यादा टच कंट्रोल भी कहीं कभी आपको ड्राइविंग के टाइम पे कंफ्यूज कर देते है तो इसलिए जो बटन्स वगैरह यहाँ पे दिए गए ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है मीडिया रेडियो नेविगेशन मैप्स यहाँ पे आप ट्रैक वगैरह अप डाउन कर सकते हैं ये फेवरेट्स का बटन यहाँ भी आ जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया है सो तो ये आपका ड्यूल जोन आ जाता है तो ड्राइवर एंड को पैसेंजर अपने अकॉर्डिंगली इसको सेटअप कर सकता है और जैसे आप सिंक करोगे सिंक से हटा दिया अभी मैंने जैसे इसको अभी मैंने ट्वेंटी पे रख दिया है ट्वेंटी सेकेंड पे फैन स्पीड मैं कम कर लेता हूँ अभी ताकि ऑडियो आपको क्लियर आए देन अगर आपने सिंक करना है तो ऐसे कर लोगे तो दोनों सिंक हो जाएंगे तो सेम टेम्परेचर इनका रहेगा बाकी ये रियर डिफॉग और फ्रंट यहाँ पे आप एसी वगैरह इसको ऑफ कर लो ऐसा कुछ हो जाता है टेम्परेचर के लिए यहाँ पे दिया है नॉर्मल में आपको ये मेटालिक फिनिश में दिया जाता है बट यहाँ भी आपको ये डार्क कलर का दिया गया है तो ये भी अगेन स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है नीचे की साइड दिखा दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइप सी पोर्ट टाइप ए पोर्ट और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है तो डिस्प्ले से आप इसको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे आ जाता है आपका ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स इसमें आपको एन लाइन की बैजिंग यहाँ पे भी आ जाती है और स्पोर्टिनेस के लिए अगेन आपको रेड इंसर्ट्स और रेड कलर की स्टिचिंग यहाँ पर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड वेंटिलेटेड सीट्स फॉर ड्राइवर एंड को पैसेंजर यहाँ पे आ जाता है ये यह कैमरा यहाँ से आप चेक कर सकते हो थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और जैसे आप अपना स्टेयरिंग व्हील घुमाओगे मैं एक बार दिखाता हूँ गाड़ी ऑन करके तो स्टेयरिंग व्हील जैसे आप घुमाओगे यहाँ पर आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस आ जाती है ये शो करती है आपकी टायर की डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है एंड ये आपका थ्री व्यू आ गया इस पर काफ़ी स्मूद दिया गया ये और थ्री व्यू में अभी तक एनलाइन में नॉर्मल वाली क्रेटा है वैसे एनलाइन में एनलाइन होती तो बढ़िया रहता बट यहाँ पे आपको दिख रहे नॉर्मल वाली क्रेटा का अभी भी व्यू आ रहा है तो हम इसको नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं और ये गाइडलाइंस ऐसे कुछ आ जाएगी बाकी यहाँ पे आपको ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स दिए गए हैं तो ये मैं एक बार आपको दिखा दूँ ये चीज़ आपको यहाँ क्लस्टर की डिस्प्ले पे दिख जाएगी तो ऐसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे आपके स्विच होंगे बिटवीन ट्रैक्शन एंड ड्राइव मोड ड्राइव मोड में आपको यहाँ पे इको आ जाएगा नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में ये प्रॉपर रेड कलर का जो फील और ये कार्बन फाइबर टाइप का जो दिया गया है काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में देन ट्रैक्शन में आ जाओगे तो आपको स्नो मोड मड मोड सैंड मोड यहाँ पे दिया गया है ऐसा कुछ है स्पोर्ट्स मोड में आई थिंक काफ़ी बढ़िया लग रही है प्रॉपर रेड रेड चीज़ें आ रही हैं और अगर नॉर्मल मोड करेंगे तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा देन यहाँ पे आपके दो कप होल्डर्स आ जाते हैं आर्म ब्रेस्ट दिया गया स्लाइडेबल नहीं है बाकी रेड कलर की स्टिचिंग यहाँ पे भी आपकी आ जाएगी देन इसको ओपन करेंगे तो डिसेंट सी स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है ये दिया गया है ग्लो बॉक्स ओपन कर लेंगे ये भी अच्छी खासी स्पेस का दिया गया और इसमें भी आपको ये कूल्ड ग्लो बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है देन आ जाते हैं हम ऊपर की साइड यहाँ पे आपको प्रॉपर सन ग्लास होल्डर दिया गया है और ये वाइट कलर की लाइट्स आ जाती है देन इनसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने सनरोफ को तो यहाँ से आप ब्लाइंड वगैरह ये ओपन एंड क्लोज कर सकते हो एंड इसकी ओपनिंग क्लोजिंग काफ़ी फास्ट है तो अभी सनरोफ़ के ऊपर वो प्लास्टिक शीट चढ़ा हुआ है यहाँ से अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये कुछ है तो ये अभी हमने ओपन नहीं किया इसलिए ये कुछ यहाँ से ऐसा लग रहा है बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सन ब्लाइंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है हार्ड मटेरियल है टिकट होल्डर भी इसमें आ जाएगा और दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा वैनिटी मिरर भी दिया गया है एयरबैग्स की ब्रांडिंग तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसमें आपको सिक्स ईयर बैग्स आ जाते हैं इवन जो बेस क्रेटा है वहीं से आपको ये सिक्स ईयर बैग्स देना शुरू कर देती है ए बी एस ई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे मैंने आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिखा दिया था तो ओवरऑल सेफ्टी का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ध्यान रखा गया और कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है इस गाड़ी की थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव भी हुई है और मे बी जो यहाँ पे अभी सेफ्टी रेटिंग है ये थोड़ा सा बढ़िया लेके आएगी आई होप फाइव स्टार लेके आए बट फिंगर्स क्रॉस डोंट नो कि क्या होगा दैन uh, हम आ जाते हैं इसके रेयर सीट्स पे तो चलते हैं वहाँ ये आपको ये सॉफ्ट कुशन दिए गए हैं एन लाइन की बैजिंग वाले ये काफ़ी अच्छा है एडजस्टेबल अच्छा हेडरेस्ट है।, अच्छा है इसके रिक्लाइन एंगल को भी आप एडजस्ट अच्छा करते कर सकते हो अलग अलग लेवल पे तो फुल ही पीछे हो गया यहाँ पे देख सकते हो आप ये गैप बीच में आपको आर्म रेस्ट ट्विट ट्विन का फोल्डर्स दिया गया है यहाँ पे देख लो आप ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ये स्पोर्टी लुक के साथ ये चीज़ आपको दी गई तो काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में ये पीछे की स्पेस है एक बार बैठ जाते हैं इस पर इवन दो मैंने अगली सीट्स काफ़ी ज़्यादा पीछे कर दी थी बट फिर भी ये देख रहे हो आप इसका रिक्लाइन एंगल कितना पीछे मैंने कर दिया है बट फिर भी मेरी हाइट है फाइव सेवन हल्का फुल्का स्पेस मेरे को यहाँ पर मिल जाता है और तो मैंने अगली सीट थोड़ी आगे कर लिया अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से अब आप देख रहे हो इनफ स्पेस मेरे को मिल रहा है लेग रूम नी रूम अंडर अंडर थाइज सपोर्ट ठीक ठीक यहाँ पर मिल जाएगी बाकी लेग्स आप अपनी एक्सटेंड कर सकते हो तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी ईवन छः फीट का, का बंदा भी ईजिली बैठ जाएगा यहाँ पर आपको वेंट्स मिलते हैं दो टाइप सी के पोर्ट यहाँ पर स्पेस आपकी आ जाती है फ़ोन वगैरह रखने की मैप पॉकेट आपको मिलता है ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड तो दोनों साइड लिए गए ये वाला जो मटीरियल है यहाँ वाला ये वाला पोर्शन तो ये थोड़ा हार्ड मटीरियल दिया गया बाकी सॉफ्ट मटीरियल आपको प्रॉपर यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इसकी एडजस्टमेंट है सीट बेल्ट की इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हो तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी सूटेबल रहता है बाकी अगर हम यहाँ पे दिखा दें तो यहाँ पे आपको ये कर्टन्स मिल जाते हैं तो इनको आप मैन्युअली क्लोज क्लोज एंड ओपन कर सकते हो तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है ऊपर की साइड आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल ये नॉर्मल है सॉफ्ट क्लोजिंग वाला रहता तो आई थिंक बढ़िया रहता नॉर्मल क्रेटा में तो ऐसा ही था बट एनलाइन में आई थिंक कुछ तो चेंज करते हैं इसमें बाकी आपको वाइट कलर की लाइट्स आ जाती है दोनों साइड पे सेम ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा एंड ये कुछ आपको विंडो की मिल जाती है तो रेक्टेंगुलर शेप है तो क्लोस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा इवन दो जो फ्रंट डैश का लुक है ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में एंड सन की वजह से और ज़्यादा बढ़िया लगता है यहाँ भी आपको प्रॉपर बॉटल होल्डर मिल जाएगी स्कफ़ प्लेट यहाँ पे भी आपको आ जाती है देन ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो क्वालिटी मेंटेन की है प्रॉपर इसको जो सीट बेल्ट का एरिया है यहाँ से जो आता है इसको प्रॉपरली कवर्ड किया है ये चीज़ थम्सअप है ह्यूनडाई के लिए बाकी ये थी आपकी ह्यूमडाई क्रेटा एन लाइन ये एक इनिशियल इंप्रेशन था एक फ़र्स्ट वॉक अराउंड वीडियोस की थी सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इसकी और भी डिटेल्ड वीडियो आएंगी अगले वेरिएंट्स की भी एंड उसके अलावा Uh, इसका जो एक ड्राइव रिव्यू है जल्दी आने वाला है सेम वेरिएंट को हम लेके जाएंगे टेस्ट ड्राइव के लिए तो आप ज़रूर देखना वीडियो को कीजिए लाइक like और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे थैंक यू फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हैव अ गुड डे